अल्लाह ही महत्वपूर्ण है। हम अगर हिंदुओं की बात कर ले तो ये हमें बोलने नहीं देंगे, तो ये हमें बोलने नहीं देंगे। नगमा और अबू आसमी मिलकर हमें बोलने नहीं देंगे। सुन लीजिए, अब हम तो आपके बीच में चिल्लाते नहीं है, आप पत्थरबाजी में क्यों उतर आते हैं जब हम बोलते हैं तो? संबित 10 सेकंड में बात कंप्लीट करिए। हाँ देखिए, मैं कह रहा हूं, आज 5 जगह फ्री कश्मीर के नारे लगे हैं, 5 जगह उनके प्लकार्ड फ्री कश्मीर के दिखाए। मैं बता देता हूँ अबू आजमी को, अबू आजमी आपके मंसूबे कुछ भी हो, आप अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं से लेकर याकूब मेमन के लिए नमाजे जनाजे पढ़ने वालों में से थे, फिर भी नरेंद्र मोदी 2019 के इलेक्शन में 303 सीट के साथ आए हैं। हिंदुस्तान की जनता कश्मीर की फ्रीडम नहीं चाहती है, हिंदुस्तान की जनता नहीं चाहती है कि कश्मीर किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान से अलग हो। हिंदुस्तान की जनता पाकिस्तान की जुबान में विश्वास नहीं करती है, हिंदुस्तान की जनता ला इल्ला इल्लल्लाह पे नहीं, हिंदुस्तान की जनता संविधान पे विश्वास करती है, हिंदुस्तान की जनता मोदी जी को हिंदू जिन्ना नहीं मानती है। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, उस समय जिन्ना जिन्ना वो व्यक्ति था जिसने हिंदुस्तान को बांटा, और जवाहरलाल नेहरू जवाब देंगे ना, शांत रहिए, अब जारी रहिए, अदाकारा है नगमा, हिंदुस्तान को बटने दिया जिन्ना, और ओके अबू आजमी साहब, मैं आपसे तो आज बैनर थे फ्री कश्मीर मुंबई में था और कई इलाकों में होगा, लेकिन आज एक नारा था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, क्या आपको लगता है कि देश की जो वर्दी है वो दहशतगर्दी के पीछे संगी दहशतगर्दी जिसको नाम दिया जा रहा है? जब मैं देख रहा हूं पुलिस के लोग खड़ी गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पुलिस के लोग घुस करके मार रहे हैं, कहां? और पुलिस से बच्चियां स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रही हैं, उसको अनसुनी कर दे रहे हैं, पुलिस के रहते हुए लोगों को पीटा जा रहा है, तो ये कहा, अगर ये कहा जाए कि वर्दी में दहशतगर्दी है तो कोई गलत नहीं होगा? अगर पुलिस चाहती तो एक परिंदा पर नहीं मार सकता था, इसलिए लोगों ने ये नारे पाकिस्तान में लगाए जाते थे, भारत में नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से वो है गुरेज है, ये सुनना गलत है। बिल्कुल मैं भी मानता हूं कि कुछ लोग गलत बातें कर रहे हैं, मैं उसका अपोज कर रहा हूं, लेकिन इनसे कहिए कि ये अपोज करें। हिंदू सेना के लोग, योगी के लोग जाकर कहते हैं कि मस्जिदों के मीनारों से जहां से अल्लाह अकबर का नारा आता है, जब तक अल्लाह अकबर के नारे की जगह पर हर हर महादेव का नारा इन्हीं मस्जिदों के मीनारों से नहीं आएगा, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। उसको कंडेम कीजिए ना आप, मैं बिल्कुल कंडेम करता हूं ऐसे लोग जो आकर ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह या नारे तकबीर अल्लाह अकबर, बिल्कुल नहीं। हम हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सब एक साथ रहेंगे, सबका धर्म अपनी जगह पर है, परंतु सड़क पर लाकर ऐसी बातें बिल्कुल करने वालों को मैं निंदा करता हूं। अबू आजमी साहब, आप कह रहे हैं कि पुलिस दहशतगर्दी के पीछे है, तो मुंबई पुलिस आपकी रक्षा करती है, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली पुलिस हमारी रक्षा करती है, हम इन रक्षकों को बोलेंगे ये दहशतगर्द है? सरकार किसी की भी हो जी नहीं, सब आज आप है, सब कल वहां पर देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी होते हैं, आज उद्धव ठाकरे आपके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, वहां इतनी मेहनत करती है, नहीं नहीं पुलिस इतनी मेहनत करती है, सिक्योरिटी करती है, मैं उसको सलूट करता हूं, तो फिर इसका मतलब नहीं कि जो पुलिस वाले गलत कर रहे हैं उनको भी देते हैं अच्छाई का। पुलिस वालों ने जो किया है उत्तर प्रदेश में, आपने देखा है किस तरह से इन लोगों ने जलियांवाला बाग की तरह से लोगों को पीटा मारा है, मगर मैं क्या हर पुलिस को कह सकता हूँ? पुलिस मेरे साथ रहती है, मुझे सिक्योरिटी देती है, मैं उनका एहसान मंद हूँ, परंतु हर पुलिस वाले की थोड़ा तारीफ कर सकते जी, 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 ए, ए, नगमा कुछ ऐड करना चाह रही है, समित मैं आपके पास आ रहा हूँ, भरपूर मौका मिलेगा आपको जवाब देने का। नगमा आपको मैं देता हूँ 40 सेकंड बात रखने के लिए, बोलिए क्या कह रही हैं आप? अमित जी, हेमंत करकरे कौन है जानते हैं? वो शहीद है मुंबई 2611 के, उनको इनकी साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा? तो जब ये कहते हैं पुलिस को कुछ भी तब ये ठीक हो जाते हैं, और जब हम कहते हैं कि हमारे सामने गुंडे घुसे और उन्होंने गुंडों ने गुंडागर्दी की मारा, हिंदू रक्षा दल ने इस चीज का उन्होंने ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हमने ये पूरा आतंक फैलाया। पिंकी चौधरी मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं? हिंदू रक्षा दल का क्या किया? पिंकी चौधरी मारे क्या एक्शन लिया हिंदू रक्षा दल पे? जी जी, वीडियो बना के भेजा है हिंदू रक्षा दल ने, इन्होंने ये गुंडागर्दी की है, कोई एक्शन लिया जी है जी इन्होंने? जी नगमा आपने अपनी बात को रखा, मैंने आपको 40 सेकंड दिए थे, आपने 55 सेकंड लिए। नगमा लेट मी नगमा जी प्लीज निवेदन सुनिए, स्वीकार करिए। संबित ये हमेशा कश्मीर में और पाकिस्तान में पहुंचते हैं, पाकिस्तान जब आसिफ गफूर ट्वीट करेंगे तो पाकिस्तान में तो अपने आप पहुंच जाएगा ना? जी जी है, तो
19 लाख लोग जरा इनको कहिए शांत हो जाएं। अमीश भाई मैं अपनी बात, मैडम मैं ट्वीट करता हूं, मुझे सऊदी अरब से धमकी आती है, अब क्या करिएगा इसको? ठीक है ठीक है, मैं चाहता हूं समीर पत्रा जी बताएं कि हिंदू रक्षा दल का वो आदमी जो आपने पूछा वो अमीश साहब समीर पत्रा को बोलने तो दे, पाबंदी डॉक्टर पात्रा बोलिए आप, प्लीज बोलिए डॉक्टर पात्रा, आपको जेल भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं? ठीक है समीर पात्रा, आपसे सवाल पूछा गया, दो सवाल है जवाब करूं बताइए। ठीक है बोलिए। मैं सवाल सुहा दे, पहली पहली बात देखिए अमीश भाई, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ। चंद दिनों पहले लंदन ब्रिज के ऊपर एक आतंकवादी को लंदन की पुलिस ने भून दिया, वो मर गया। कहीं एक टीवी डिबेट पे वहाँ डिबेट नहीं हुआ कि ये जालिम पुलिस है, इसने आतंकवादी को कैसे मार दिया? अगर हमारी हिंदुस्तान की पुलिस ने खुदा न खास्ता एक आतंकवादी को मार दिया होता, ये सारे जो अबू आजमी और नगमा बैठे हैं ना,